कैसन है दीदी? बहू बाल बच्चा घर के सब कैसन है? हमें ठीक है, बाबू है, बहू भी बेटी सब ठीक है। छटके के तौर बचवा कहिया होता? यही आज कल में होवे वाला है दीदी। तो बड़ी खुशी के बात है कि तेरे घर बाबू आवे वाला है के का। देखिए छटकी, बचवा ठीक हो तो पहला दूध हो तो पीला गाढ़ा तो कतनो डॉक्टर कहते तो नहीं पी ले। ये तो ठीके कह लो दीदी कि पीला दूध तो गंदा होबो है, हमरो के बचवन के कहाँ पी ले लिए। मैया यहाँ जाओ, सेविका दीदी को बुला करके लेते हैं। ठीक है। नमस्ते सेविका दीदी, आइए बैठिए। नमस्ते पुष्पा, बैठिए दीदी। ठीक है। बहुत परेशान हो पुष्पा, क्यों बुलाई हमें? हाँ दीदी बहुत परेशान है, कुछ पूछना था आपसे इसीलिए बुलाए थे। क्या परेशानी हो गया पुष्पा, बताओ मुझे। हाँ दीदी जानते हैं, मेरी सास और मेरी चाची, बगल की चाची, दोनों बात करी थी बैठ करके आपस में कि बच्चा होने के बाद पीला गाढ़ा दूध नहीं पिलाना चाहिए। पर ऐसा तो हम नहीं सुने हैं, हम सुने हैं कि बच्चे को पीला गाढ़ा दूध पिलाने से बच्चे सेहतमंद रहते हैं। हाँ दीदी आप ही बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। पुष्पा तुम बहुत अच्छा की कि हमको बुला ली, तुमने जो भी सुना है, जो भी तुमको जानकारी मिली है सही मिली है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको तो पीला गाढ़ा दूध पिलाना ही चाहिए। तुम्हारी सास कहाँ है, बुलाती उसे भी साथ में हम समझा देते क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है दीदी, हम अपने सास को भी बुला देते हैं, उनको भी समझा दीजिए। माँ माँ आइए ना, सेविका दीदी आई है। प्रणाम चाची। हाँ खुश रहो। चाची पुष्पा बता रही थी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो पीला गाढ़ा दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप लोग आपस में बात कर रही थी, आप और कौन चाची थी वो दोनों? हाँ सेविका दीदी, हम लोग भी तो नहीं पिले लिए पीला गाढ़ा दूध, तो गंदा होबो है, पन बाल बच्चा को भी तो नहीं पिले लिए। ठीक है चाची, हम आपको एक बात बताते हैं, आपके घर गाय तो है ना? हाँ है। जब गाय बच्चा को जन्म देता है तो गाय का पीला गाढ़ा दूध निकलता है ना, तो उसको हम लोग उसके बछड़े को पिलाते हैं। इसलिए पिलाते हैं कि ताकि बछड़ा जो हो तंदुरुस्त हो, जल्दी बड़ा हो, होता है कि नहीं चाची? ये बात तो ठीक है सेविका दीदी। हाँ दीदी हम भी तो यही सुने हैं, आदमी या जानवर जितने भी हैं सभी का बच्चा होने पर पीला दूध निकलता है, वो पीला दूध बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी होता है। हाँ पुष्पा तुम तो बहुत अच्छा बताई। देखो अब हम बताते हैं कि पीला गाढ़ा दूध यानी उसको हम लोग खिरसा दूध भी बोलते हैं, है ना? उसको बच्चा जब जन्म लेता है तो वो खिरसा दूध हम लोगों को क्यों पिलाना चाहिए? देखो सबसे पहली बात, खिरसा दूध बच्चे के लिए पहला टीका कहलाता है और ये बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। और दूसरी बात, ये खिरसा दूध बच्चे के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है, ये बच्चे की मानसिक और शारीरिक विकास के लिए तो सबसे ज़रूरी होता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो एक घंटा के अंदर जब माँ बच्चे को स्तनपान करवाती है यानी अपना खिरसा दूध पिलाती है तो माँ का स्तन में भी दूध भरपूर मात्रा में आता है और बच्चे को भी माँ का दूध भरपूर मात्रा में मिलता है। खिरसा दूध बच्चे को आसानी से पच भी जाता है और ये बच्चे को इन्फेक्शन यानी संक्रमण से भी बचाता है। और देखिए चाची, जब बच्चा खिरसा दूध पीता है तो उसका अंदरूनी भाग, अंदर का भाग होता है जो हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, उसको भी बढ़ने में सहायता मिलता है। बगल वाली के पुतहुआ के होले हल बच्चा कल्हे होले, लेकिन ओकर तो दूधे न उतरले तो बच्चा पीते का? हाँ चाची समस्या तो बहुतों के साथ है, पर बहुत सारी माँ क्या करती है जब बच्चा जन्म लेता है तो अपने स्तन के निप्पल को ठीक से साफ ही नहीं करती है, जिसके कारण भी उसे दूध नहीं होता है। चाची हम निप्पल साफ करने का भी तरीका आपको बता देते हैं। एक सूती कपड़ा लीजिएगा, उसको हल्के गर्म पानी में डुबो दीजिए,
उसको फिर निचोड़ के और निप्पल के ऊपरी परत में, देखिएगा निप्पल का ऊपरी परत में कुछ जमा हुआ रहता है, उस सूती कपड़ा से पोंछने पर हल्का हल्का पोंछेगा ना तो वो नरम होके निकल जाएगा, तो उसको उसी तरह से निकाल लीजिए और अच्छे से स्तन को उस सूती कपड़ा से पोंछ दीजिए। उसके बाद अगर आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो माँ का दूध जरूर रेसेगा और दूध भी बच्चे को पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। अच्छा दीदी, ये बताइए कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको तुरंत शहद खिलाया जाता है, ये क्या सही है? हाँ छोटकी, जब नया मेहमान आवा है ना तो हमने मीठा चटावो ही है। नहीं चाची, बच्चे को तो ये सब चीज बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बच्चे को तो सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। इसे खाने से बच्चे को संक्रमण यानी इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ सेविका दीदी, आप जितना भी बाल बच्चा होते हैं ओकरा तो फिर से दूध पिलवेबे, लेकिन मधु बिल्कुल नहीं चटवेबे। पुष्पा, आप तो तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो गई। चाची, पुष्पा को आप हॉस्पिटल ही ले जाके डिलीवरी करवाइएगा, और जब डिलीवरी हो जाएगा और आप लोग घर आएंगे तो हम फिर आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। पर एक चीज़ याद रखिएगा चाची, अभी हम जो भी आप लोगों को जानकारी दिए वो हमेशा याद रखिएगा। ठीक है चाची, अब हम चलते हैं। नमस्ते। ठीक है दीदी, नमस्ते। बाबू बहुत प्यारा बच्चा है। आइए सेविका दीदी, बैठिए। ठीक है चाची, हॉस्पिटल से आ गई? अरे तुम्हारा बाबू तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। दे छटकी है, मधुआ चटाइए दे बाबू को। नहीं बड़की दीदी, जे हम अपन बाल बच्चा के साथ गलती कर लिए, हम अपन पोता के साथ गलती नहीं हुए दुए। जे तोरा का मर्जी हो जे तोरी कर। पुष्पा, तुम अपने बच्चे को खेसापान शुरू की? हाँ दीदी, आपने जैसा कहा था एक घंटा के भीतर ही खेसापान पिलाना है, मैंने उसी समय से बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दिया था। आप पुष्पा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। सेविका दीदी ने जितनी भी बातें बताई वो सब मैंने अपनाया, अब आपकी बारी है। सभी को एक बात याद रखें, सबसे पहली बात, बच्चे के जन्म के एक घंटे के अंदर माँ अपना पहला गाढ़ा दूध ही पिलाए। दूसरी बात, सिर्फ माँ का ही दूध ही पिलाए। तीसरी बात, ये बच्चे का पहला टीका है। चौथी बात, ये बहुत पौष्टिक है, अंदरूनी अंगों को बढ़ने में मदद करता है। पांचवी बात, प्रसव के बाद पहला 2-3 दिन में आने वाली खिरसा दूध जरूर पिलाए। और आखिरी बात, ये बच्चे को संक्रमण यानी इन्फेक्शन से बचाता है। सभी को मेरा धन्यवाद।